अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस के पी टेक टी वी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की एंड्रॉयड ऐप के बारे में। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप चेक कर पाएंगे कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में किसी किस्म की सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम है और आप चेक करना चाहते हैं कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद ही अपने फ़ोन को चेक कर पाएंगे कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं, ख़ुद अपना फ़ोन चेक करना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपको आपके फ़ोन की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ए टू जेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लाइक लाजमी करेंगे। आप अभी लाइक कर दें, लास्ट में भी आपने लाइक तो करना ही है इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह अपने फ़ोन को चेक करना है कि हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या किसी किस्म की क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप इसके डिस्क्रिप्शन से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आप इस एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको जैसे ही फर्स्ट टाइम ओपन करना है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपके सामने ये तमाम फ्यूचर आ जाएंगे। जो पहले नंबर वाला फ्यूचर है, इस पर लिखा हुआ है फ़ोन डिवाइस डिटेल, आप इस पर क्लिक करें और इसमें आपको आपके फ़ोन की तमाम इन्फॉर्मेशन ए टू जेड मिलेगी कि आपके फ़ोन में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है, खाली पड़ी हुई है, और इसके अलावा आपके फ़ोन की टोटल मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, उसके अलावा आपके सेंसर, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके फ़ोन का मॉडल क्या है और किस कंपनी का फ़ोन है। उसके आगे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन बना हुआ है सॉफ्टवेयर, आप इस पर क्लिक करें। आपके फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है और उसका लास्ट अपडेट कौन सा है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। उसके आगे ऑप्शन है बैटरी, आप बैटरी पे क्लिक करेंगे तो आपको बैटरी की हेल्थ और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी पावर वगैरह फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कितने वोल्ट की है, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अब हम चले जाते हैं बैक और अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, फ़ोन रिपोर्ट। फ़ोन रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है और इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन का माइक, इसके अलावा की, जितने भी बटन्स होते हैं, सेंसर ए टू जेड चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये इस मेथड से चेक करने का पता ना चले तो आपने बैक चले जाना है। एक और मेथड है, वो भी इसी वीडियो में अभी आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं रिफर्निशमेंट, मतलब आपका फ़ोन ओरिजिनल है कि कॉपी। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपके फ़ोन का मॉडल क्या है और आपका फ़ोन ओरिजिनल है कि कॉपी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ गया है योर फ़ोन समसिंग, ये मॉडल है आपका और ये ओरिजिनल है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, ओके कर देते हैं। अगर आपने चेक करना हो कि आपका फ़ोन ओरिजिनल है या कॉपी है तो आप इस एप्लीकेशन से ईजिली चेक कर पाएंगे। अब हार्डवेयर टेस्ट पे क्लिक करते हैं। हार्डवेयर टेस्ट पे क्लिक करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम चेक कर पाएंगे कि हमारे फ़ोन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्डवेयर में। रेड पे क्लिक करते हैं, हमारे फ़ोन में अगर रेड एलईडी की कोई प्रॉब्लम होती तो ये रेड नहीं थी चलनी, ग्रीन, ब्लू, इसके अलावा माइक आप चेक कर सकते हैं ईज़िली, रिसीवर, उसके ऊपर जो वास एयर पीस होता है फ़ोन का ये चेक कर पाएंगे, डिमिंग, वाइब्रेट, फ्रंट कैम, बैक कैम, तमाम इन्फॉर्मेशन आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें दी गई हुई हैं, सेंसर, फ्लैश लाइट आप जला के चेक कर सकते हैं कि फ़्लैश लाइट ओके है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पीकर चेक कर सकते हैं आप, तमाम चीज़ें आप इस एप्लीकेशन में ये चेक कर सकते हैं। अगर बात करें हम नेटवर्क की कि हम नेटवर्क किस तरह चेक करेंगे तो आपने नेटवर्क टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कितने डीबीएम आपके नेटवर्क की आ रहे हैं और कौन सी कंपनी की आप टेक्नोलॉजी, मतलब किस कंपनी की आप सिम यूज़ कर रहे हैं, उसमें 3G सर्विस मौजूद है कि 4G। आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं टेलनार यूज़ कर रहा हूँ, 3G सर्विस आ रही है और वाईफाई नहीं कनेक्ट। बैक जाते हैं, अब बात कर लेते हैं अदर टेस्ट। आप देख रहे हैं कि हमने अपने फ़ोन की तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, लेकिन अगर बात करें अदर टेस्ट की तो इसकी हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, इसके अंदर इसमें कौन से फ्यूचर होंगे। आपने सिंपल अदर टेस्ट पर क्लिक करना है। अदर टेस्ट पर क्लिक करने के बाद अगर मेरे पास इंटरनेट ऑन होता तो सिंपल हम इसके ज़रिए, मैं अपना वाईफाई ऑन कर देता हूँ,
वाईफाई ऑन करने के बाद हम जैसे ही अदर ऑप्शन में जाएंगे तो अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम बन जाती है, आपका IMEI नंबर नहीं शो हो रहा होता, तो आप अदर टेस्ट पे क्लिक करें। अदर टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपके फ़ोन का ऊपर IMEI नंबर शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर IMEI नंबर डाल के अपने फ़ोन की तमाम इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में ये किस तरह की रही, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या आपको एप्लीकेशन पसंद आई कि नहीं आई। इसमें A to Z अपने फ़ोन को चेक करने की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है तो आप इसको हर फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लो हो या फिर हाई वर्जन सॉफ्टवेयर में हो, ये तमाम फ़ोन में वर्किंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।